नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा परिहार। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला तो पहले ही रखी जा चुकी है। मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं अब राम मंदिर के निर्माण के लिए ये फैसला लिया गया है कि मंदिर निर्माण में स्वदेशी फंड लगाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी से होगी और माघ पूर्णिमा तक जारी रहेगी। इस बात की घोषणा विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से चंदा जुटाया जाएगा, जिसमें विदेशी धन का उपयोग नहीं होगा। ये पूरी तरह से आम लोगों के योगदान से ही बनेगा। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने कंपनियों के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व फंड का इस्तेमाल भी मंदिर निर्माण के लिए नहीं करने का निर्णय लिया है। इसमें आम लोग कूपन से चंदा दे सकेंगे। बता दें, इसमें 10 रुपए के 4 करोड़ के कूपन, 100 रुपए के 8 करोड़ के कूपन और 1000 रुपए के 12 लाख कूपन होंगे। देश के अधिकतर गांव और शहरों में चलने वाले इस अभियान में राम भक्तों द्वारा मंदिर निर्माण हेतु उनकी स्वेच्छा से दिया गया आर्थिक सहयोग स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए 10, 100 और 1000 रुपए के कूपन उपलब्ध रहेंगे। करोड़ों घरों में भगवान के दिव्य मंदिर की तस्वीर भी पहुंचाई जाएगी। देश की हर जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के लोगों के सहयोग के साथ राम मंदिर वास्तव में एक राष्ट्र मंदिर का रूप लेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक CSR फंड का इस्तेमाल बाद में संग्रहालय, पुस्तकालय व अन्य कामों में किया जा सकता है, लेकिन मंदिर निर्माण में इसका उपयोग नहीं होगा। राम मंदिर के निर्माण में विदेशी फंड के इस्तेमाल पर स्थिति साफ करते हुए चंपत राय ने कहा कि FCRA नहीं होने के कारण ट्रस्ट विदेशों से चंदा नहीं ले सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।